ओम नमः शिवाय, प्रणाम। आज बात करेंगे अपन अध्यात्म और तंत्र मंत्र पर। अध्यात्म एक अलग रिश्ता है और तंत्र मंत्र का अलग रिश्ता है। जब इंसान अपने जीवन में कई सारी बाधाओं को लेकर चलता है, तो हर किसी के पास कुछ न कुछ सहारा भी होता है और किसी के पास नहीं भी होता है। तो तंत्र मंत्र एक ऐसी शक्तियाँ हैं जिसके जरिए डेली रूटीन में जीवन में कुछ समस्याओं का समाधान किया जाता है और उसके जरिए अपने जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन किया जाता है। लेकिन अध्यात्म एक ऐसा रूटीन है जो कि अपने जीवन से, वर्तमान जीवन से जुड़ा हुआ तो कम रहता है, लेकिन आने वाले नेक्स्ट जीवन के लिए वो फायदेमंद रहता है। अध्यात्म में ज्ञान की सरसाएँ ज़्यादा होती हैं और तंत्र मंत्र में कुछ क्रियाओं की सरसाएँ होती हैं। अध्यात्म में जो इंसान है वो किसी के कोई कार्य हैं, जैसे क्रियाओं से संबंधित कोई काम का करवाना, किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ कार्य होते हैं, तो वो इंसान है, अध्यात्म वाला है, वो उन कार्यों को नहीं करेगा और उनसे होने में बहुत मुश्किल भी होगी। ऐसे बहुत सारे साधु संत होंगे जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, वो अपने ज्ञान ध्यान और योग में लगे हुए होते हैं, उनको दूसरे किसी भी लोगों से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन तंत्र मंत्र से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको लोगों से ही लेना देना होता है, क्योंकि उनका जीवन यापन भी उससे जुड़ा हुआ होता है और लोगों की समस्या है वो भी उनसे जुड़ी हुई होती हैं। तो ये दो रास्ते हैं कि अध्यात्म एक अलग चीज़ है और तंत्र मंत्र की क्रियाएँ अलग चीज़ है। आप अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं या तंत्र मंत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं? मैं आपसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि आप जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ में आप तंत्र मंत्र की क्रियाएँ करना चाहते हैं या मेरी गाइडलाइन में कोई करना चाहते हैं, या आप अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे से ज़रूर जुड़िएगा। व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज़रूर जुड़िएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे अध्यात्म और तंत्र मंत्र की जो जर्नी है वो लास्ट मिनिमम आप मान लीजिए 20 साल हो गए हैं, और विशेषकर जो है वो पिछले 6 से 7 साल से है। लेकिन जो छोटे से यानी शुरुआती जो हुए था वो आज से 20 साल पहले से लगभग हो गया था, 2003 के आसपास से। तो मेरे पास जो भी ज्ञान होगा, जो भी सरसाई होगी, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। आप मेरे से ज़रूर जुड़ें और अपने जानकारी के लिए आप हमसे टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आपको अध्यात्म से और तंत्र आप ज़रूर ज्वाइन करें और कुछ मैसेज वगैरह ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय।